एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें बात करेंगे लिस्ट इंटरफेस एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, लिस्ट इज ए चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन इंटरफेस। तो आपका जो लिस्ट इंटरफेस है ये कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड करता है। अगर मैं बात करूँ तो आप लिस्ट इंटरफेस के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज रख सकते हैं, यानी कि डुप्लीकेसी अलाउड है। एंड इट मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर, यानी कि आप जिस ऑर्डर में एलिमेंट इंसर्ट करेंगे उसी ऑर्डर में एलिमेंट आपको एज एन आउटपुट मिलेंगे। इसी तरीके से इट यूजेस इंडेक्स टू स्टोर एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स स्टोर करता है। इट इज नॉन सिंक्रोनाइज्ड, एंड जो आपका लिस्ट इंटरफेस है ये क्या है, नॉन सिंक्रोनाइज्ड है। तो जो हमारा लिस्ट इंटरफेस है इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस हैं एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर एंड स्टैक। तो अभी जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एरे लिस्ट की। तो अगर मैं एरे लिस्ट की बात करूँ तो जैसे कि हम जानते हैं जो एरे लिस्ट क्लास है ये इम्प्लीमेंट करती है लिस्ट इंटरफेस को। तो जो भी लिस्ट इंटरफेस की हमारी प्रॉपर्टीज थी वो सारी की सारी हमें एरे लिस्ट में भी देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इट यूजेज ए डायनेमिक एरे टू स्टोर दी एलिमेंट्स, यानी कि आपका जो एरे लिस्ट है ये क्या करता है, डायनेमिक एरे यूज करता है टू स्टोर दी एलिमेंट्स। अगर हमें पता है जैसे कि हमारा लिस्ट इंटरफेस क्या करता है, डुप्लीकेट्स एलिमेंट अलाउड करता है, तो उसी तरीके से जो हमारा एरे लिस्ट है ये भी डुप्लीकेट्स एलिमेंट को अलाउ करेगा, एंड ये भी इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करेगा, एंड ये भी क्या है हमारा, नॉन सिंक्रोनाइज्ड है। बिकॉज जो भी हमारा लिस्ट इंटरफेस की प्रॉपर्टीज थी वो हमें एरे लिस्ट में भी मिलेगी। साथ ही एलिमेंट्स स्टोर्ड इन द एरे लिस्ट कैन बी रेंडमली एक्सेस। जैसे कि हमें पता है एरे लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स स्टोर होते हैं, तो हम एलिमेंट्स को रेंडमली एक्सेस कर सकते हैं। एंड आप एरे लिस्ट का कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, एरे लिस्ट एंड आप यहाँ पर टाइप स्पेसिफाई करेंगे कि आपका टाइप, आपका एरे लिस्ट किस टाइप के एलिमेंट स्टोर करेगा, देन न्यू एरे लिस्ट आप यहाँ पर भी टाइप स्पेसिफाई कर देंगे। ये जो इस तरफ कंस्ट्रक्टर के साथ जो है टाइप, ये ऑप्शनल है, आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो भी चलेगा। इसी तरीके से हम ये जो मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है AR, ये क्या करेगा, इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स स्टोर करेगा, यानी कि आपका ये इंटीजर डेटा टाइप नहीं है, आपका ये क्या है, इंटीजर क्लास है। जैसे कि हमें पता है कलेक्शन क्या करता है, ऑब्जेक्ट स्टोर करता है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, इंटीजर क्लास के ऑब्जेक्ट स्टोर करेगा, जो फर्स्ट हमारा एरे लिस्ट का जो यहाँ पर सिंटैक्स है। इसी तरीके से जो सेकेंड एग्जाम्पल है ये क्या करेगा, स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में जो मेरा लिस्ट इंटरफेस है ये क्या करता है, कलेक्शन को एक्सटेंड करता है और लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट एंड वेक्टर। जो स्टैक है ये क्या है, हमारी वेक्टर की चाइल्ड क्लास है, राइट। तो अभी हमने क्या देखा, लिस्ट इंटरफेस के बारे में देखा एंड उसकी जो इम्प्लीमेंटिंग क्लासेज हैं वो हमारी ये चार क्लासेज हैं, एंड इसके बाद हमने देखा एरे लिस्ट क्लास के प्रॉपर्टीज। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।